दूरदर्शन न्यूज। छपरा जिले के मसरक तरैया SH 73 मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार की ट्रक ने एक बाइक सवार दो युवकों को कुचल डाला। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवकों को मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप ने स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल एक युवक ने वहीं दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान तरैया थाना क्षेत्र के छपिया बिन टोली गाँव निवासी राम बाबू राय के 18 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार के रूप में हुई। वहीं घायल युवक की पहचान छपिया बिन टोली गाँव निवासी मोतीलाल राय के 25 वर्षीय पुत्र अखिलेश राय के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राजेश कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच ट्रक को जब्त कर लिया तथा मृतक रितेश कुमार यादव के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु छपरा भेजने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दिया। मसरक थाना क्षेत्र के ही दुमदुमा शिव मंदिर के पास SH 73 सड़क मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार एक वृद्ध को टक्कर मार दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को स्थानीय लोगों की मदद से मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां घायल की पहचान मसरक थाना क्षेत्र के खोगिया गांव निवासी स्वर्गीय धनेश्वर सिंह के 75 वर्षीय पुत्र रामदेव सिंह के रूप में हुई। मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप ने घायल के गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मसरक से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।